अब खबर है सावली तहसील से, जहां तहसील में जंगली हाथियों के कहर ने किसानों का भारी नुकसान किया। तो आइए देखते हैं इसके संबंध में सीटीवी प्रतिनिधि प्रवीण गिडाम ने क्या जानकारी दी। सावली तहसील में कल रात के दौरान गढ़चिरौली जिले से सामदा बूस नदी पात्र के जरिए पानी में से 30 से 40 हाथी का झुंड सावली तहसील में प्रवेश करने से नदी से सटे हुए सभी खेतों में से हाथी का झुंड गुजरने के कारण यहां फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसमें रुमाजी कोहड़े इनकी 3 से 4 एकड़ खेती में धान फसल का भारी नुकसान हुआ है। हाथी का झुंड सावली तहसील में आने से वन विभाग में खलबली मची। गढ़चिरौली जिले से हाथी का झुंड सावली तहसील में आने के कारण किसान और खेती मजदूर इनमें भय का वातावरण निर्माण हुआ है। वन विभाग ने सतर्कता बरतने का आह्वान नागरिकों को किया है। हाथी का बंदोबस्त कर हुए नुकसान के पंचनामे करे, ऐसी मांग किसानों ने की है। इस समय सीटीवी प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम भी यहां मौजूद थे, तो आइए सुनते इस संदर्भ में उन्होंने क्या जानकारी दी। अपन बघू शकता सावली तालुक्यातील सामदा इथे रुमाजी कोहड़े यांच्या शेतामध्ये रानटी हत्ती यांचा कळप गडचिरोली जिल्ह्यामधून या ठिकाणी सावली तालुक्यामध्ये हत्त्याचा कळप प्रस्थान होऊन या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे। काल रात्रीच्या सुमारास हत्त्यांचा कळप गडचिरोली जिल्ह्यातून नदीच्या पात्रातून या ठिकाणी सावली तालुक्यात प्रवेश करून आज शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलेले आहे आणि तोच हत्त्याचा कळप आज सावली तालुक्यातील जंगलात प्रस्थान झालेला आहे। तरी वन विभागाने या शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून यांना मदत द्यावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि हत्तींचा बंदोबस्त करण्यात यावा अशी जनतेची मागणी आहे। तो वही किसान रुमाजी कोहड़े जिनकी खेती का भारी नुकसान हुआ है, उन्होंने भी सीटीवी से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, आइए जानते हैं। काल दिनांक 30/9/2024 च्या रात्री अंदाजे 12:00 च्या दरम्यान रानटी हत्तीचा कळप माझ्या शेतामध्ये घुसून एकूण 3 एकर या शेतामध्ये पूर्णपणे नुकसान केलेलं आहे। या शेतीच्या भरोशावर माझ्या कुटुंबाचा व माझा उदरनिर्वाह असून महाराष्ट्र शासन तथा वन विभाग माझ्या शेतीचा तात्काळ पंचनामा करून मला नुकसान भरपाई देण्यात यावे अशी माझी कुटुंबाच्या वतीने विनंती करीत आहो। आणि एकूण 3 एकरमध्ये पूर्ण कुटुंब माझा 12 महिने याच शेतीच्या भरोशावर उदरनिर्वाह असून मला दुसरी शेती नसल्याने तात्काळ पंचनामा करून मला नुकसान भरपाई देण्यात यावी। प्रवीण गिडाम, सिटी न्यूज, सावली, चंद्रपूर।